क्या हाउस नंबर क्या है? वो सामने, बिल्कुल सामने, वो सामने, फूड पांडा वाला बॉयस। गलती से किसी और का खाना हमें दे रहा था। राइटर्स ब्लॉक का नाम सुना होगा, राइटर्स भाई, राइटर्स ब्लॉक का मतलब ये होता है कि एक राइटर जो है, जो किताब लिखते हैं, उनको एक ब्लॉक आ जाता है कि वो लिख नहीं पाते हैं। और इन माय केस वो है ब्लॉगर्स ब्लॉक। अबे यार, वो फूड पांडा वाले को देख के ना भूख लग रही है मुझे, खाना ऑर्डर करते हैं। सही है, ब्लॉगर्स ब्लॉग के बारे में बता रहा था। राइट भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। भाई, इस ब्लॉगिंग से पहले ना लाइफ वॉज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग से मुराद ये है कि भाई लाइफ वॉज फन। ट्रैवल कर रहे थे दोस्तों के साथ, खाना खाने जा रहे थे बाहर दोस्तों के साथ, अच्छी अच्छी राइडों पर जा रहे थे, मतलब इंजॉइंग स्टफ। बट जब से ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग। एक दो दफ़ा शायद गया हूँ बाहर, विच इज़ ऑसम, थैंक्स टू तला इफ़ यू वॉचिंग इट। बट उसके अलावा आई डोंट नो कोई इंटरेस्टिंग हुआ है उसके अलावा। राइट, इट्स जस्ट फील्स बोरिंग, बोरियत हो रही है यार। लाइक मैं खुद के व्लॉग्स देख के खुद को बोल रहा हूँ कि यार ये कैसे व्लॉग बना रहे हैं यार। भाई, इस बिरयानी को ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सही है, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा यार ये। खाने वक्त दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो खाना, एक रायता, दो हो गई राइट। पर एक और चीज़ है, वो है कि भाई देखना क्या है यार खाने वक्त। घर में भी लॉक करके खड़ी हुई है। नाइस भाई, बारिश हो रही है सो बड़ा कैमरा नहीं लेके जा सकता है। बाद में मौसम जो है ना,